इराक में अमेरिकी दूतावास पर आज फिर हमला हुआ है। अमेरिकी दूतावास के पास दो रॉकेट दागे गए हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में ये रॉकेट दागे गए। तो कल भी ईरान ने इराक के अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे और आज के हमले में किसी के नुकसान की खबर नहीं बताई जा रही, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनातनी बढ़ती हुई और आज एक बार फिर से ईरान ने ग्रीन जोन में रॉकेट दागे हैं। तो एक बार फिर से इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया है, तो लगातार चेताने की कोशिश यहां पर। तो कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने पर उतारू है ईरान। तो इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है, दो रॉकेट से फिर से हमला किया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वही ट्रंप लगातार यहां चेताने की कोशिश ईरान को कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर करता हुआ। तो ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात को संबोधित भी किया था। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नाटो को इसका यहां पर समर्थन करना होगा। तो किसी नुकसान की खबर अभी इस हमले में नहीं है। तो अमेरिकी दूतावास पर यह हमला हुआ है। तो एक बार फिर से ये हमला, दो रॉकेट से हमला किया गया है अमेरिकी दूतावास पर। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ते हुए आमने सामने ये दोनों देश, जहां एक तरफ ट्रंप लगातार ईरान को चेता रहे हैं तो दूसरी तरफ इस चेतावनी को दरकिनार करते हुए ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी दूतावास पर यह हमला किया है। तो हालांकि इससे पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ तौर पर चेताते हुए प्रहार मारते हुए मेरे राष्ट्रपति रहते ईरान नहीं हासिल कर पाएगा परमाणु हथियार। तो लगातार जो ईरान है वो आर पार की लड़ाई के मूड में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी दूतावास पर इराक में हमला हुआ था उसके चलते कासिम सुलेमानी मौत से नाराज। We'll never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.